कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार जी की ये कविता भले ही अतिशयोक्ति लगती हो, पर इसकी हर एक लाइन बिल्कुल सच है। कोरोना के बढ़ते कहर और वैक्सीनेशन की कमी की वजह से 15 दिन पहले तक भारतवासी एक एक सांस गिन गिन कर ले रहे थे। सुनने में आ रहा था कि वैक्सीन तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन पूरे भारत को वैक्सीनेट करने के लिए अभी 6 महीने का समय और लगेगा। तब मायापुरी के चीफ एडिटर श्री पीके बजाज जी के मशवरे पर मायापुरी मैगजीन के द्वारा हमने एक अपील की थी और सवाल उठाया था कि जब 2 महीने के अंदर पूरे देश में चुनाव हो सकते हैं तो वैक्सीन क्यों नहीं लग सकती, क्या चुनाव आयोग इस काम में मदद नहीं कर सकता। जब 2 महीने से भी कम समय में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट दे सकते हैं तो करीब 100 करोड़ नागरिकों को वैक्सीनेट करने में पूरा साल क्यों लग रहा है। आज 7 जून 2021 की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सूचना दी है कि अब से हर पोलिंग बूथ पर वैक्सीनेशन भी की जाएगी। श्री केजरीवाल ने जहां वोट वहां वैक्सीन का नारा दिया है। अब देखना होगा कि केजरीवाल जी के इसी इनिशिएटिव को बाकी राज्यों में कब तक लागू किया जाता है और सारे देश की जनता को वैक्सीनेट करने में कितना समय लगता है, क्योंकि देश में 1.5 महीने से ऊपर के लॉकडाउन के बावजूद रोज़ 1 लाख से अधिक केसेस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब लॉकडाउन में कुछ राहत दी गई है, दिल्ली समेत बहुत से राज्यों में अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, लेकिन साथ साथ ये डर भी अभी बना हुआ है कि अगर इस अनलॉक के चलते कोरोना की तीसरी लहर आई तो क्या राज्य और केंद्र सरकारें इस बार हालत काबू में कर पाएंगे या तीसरी बार वही लाइन दोहराते मिलेंगे कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे।